Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our next chapter from our textbook in English, First Flight. The name of the chapter is The 100 Dresses, written by Al Easter. This story is a sensitive account of how a poor girl is judged. यह story एक भावनात्मक वर्णन है, एक poor girl, poor लड़की को किस प्रकार आंका जाता है, जज किया जाता है. हर नेम इज वेंडा पेट्रॉन्स्की. उसका नाम वेंडा पेट्रॉन्स्की है. टुडे मंडे वेंडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट. आज सोमवार का दिन वेंडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी. नो बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस. बट किसी भी नहीं ने भी नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन, वे लड़कियाँ जिन्होंने सभी कंप्लीट जो फन था, मजाक था, शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति को पर ध्यान नहीं दिया. यूजली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. अक्सर वेंडा रूम 13 की लास्ट रो में, जो लास्ट सीट थी, उससे पहली, मीन्स उससे अगली सीट पर बैठा करती थी. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैट एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. शी सैट, वह बैठती थी इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में, वेयर जहाँ द रफ बॉयज, कुछ रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जिनके जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, बैठते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का कॉर्नर जहाँ देर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, स्कफलिंग ड्रैगिंग, पैरों के घसीटने की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी. मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के ठहाके ज़्यादा होते थे. व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड, जब भी कुछ फनी कहा जाता था. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर, फर्श पर काफ़ी कीचड़ और धूल होती थी. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वेंडा वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वह रफ और शोर करने वाली थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. वह काफ़ी शांत थी और मुश्किल से ही कभी कुछ कहा करती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, पर किसी ने भी उसकी हंसी को, तेज हंसी को कभी सुना नहीं था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल. कई बार वह अपने माउथ को एक क्रूक्ड, एक कुटिल सॉर्ट ऑफ स्माइल में मोड़ती थी, घुमाती थी, बट दैट वाज ऑल, बस यही था. नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वेंडा सैट इन दैट सीट अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंस हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. अच्छी तरह से कोई भी नहीं जानता था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे. केवल ये जानते थे वे कि वह बॉगिंस हाइट्स से आती थी एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड, और उसके फीट अक्सर धसे होते थे विद ड्राई मड, सूखे कीचड़ में. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. लेकिन वास्तव में उसके बारे में, मीन्स वेंडा के बारे में, कोई अधिक नहीं सोचता था एक बार वह उस कॉर्नर ऑफ द रूम किस पर वहाँ बैठ जाती थी. द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन वेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. द टाइम, समय, वेन, जब वे वेंडा के बारे में सोचते थे, वो था स्कूल आवर्स के बाद का और स्कूल के बाहर का समय. एट नून टाइम, नून टाइम जब वे वापस बैक टू स्कूल, स्कूल से वापस जा रहे थे, या इन द मॉर्निंग अर्ली, या सुबह बड़ी जल्दी स्कूल शुरू होने से पहले. व्हेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री, जब दो या तीन लड़कियों का ग्रुप या इससे ज़्यादा का ग्रुप
वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग, बात कर रहा होता था, हंस रहा होता था ऑन देयर वे अपने रास्ते पर टू द स्कूल यार्ड की ओर. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, तब कई बार वे वेंडा का इंतजार करते थे उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर, अगले दिन मंगलवार को वेंडा स्कूल में नहीं थी. एंड नोबडी नोटिस द एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को, उसकी अनुपस्थिति को दोबारा नोटिस नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया. बट ऑन वेंसडे पैगिन मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, लेकिन बुधवार को पैगिन मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो सामने की ओर दूसरे बच्चों के साथ बैठी हुई थी, पैगिन मैडी हु गॉट गुड मार्क्स, जिन्होंने उन बच्चों के साथ जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए थे, हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, जो अधिक कीचड़ में से निकल कर नहीं आते थे, चल कर नहीं आते थे, डिड नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट देयर, उन्होंने भी नोटिस किया कि वेंडा वहाँ नहीं थी. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे अधिक प्रसिद्ध लड़की थी. शी वॉज प्रेटी, शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, वह काफ़ी सुंदर थी और उसके पास काफ़ी अच्छे कपड़े थे, एंड हर हेयर वॉज कर्ली और उसके बाल घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी घनिष्ठ मित्र थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. द रीज़न कारण पैगी एंड मैडी ने नोटिस किया वेंडा की एब्सेंस को, उसकी अनुपस्थिति को, वॉज था क्योंकि वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, उन्होंने वेंडा को स्कूल के लिए, मीन्स वेंडा ने उन्हें स्कूल के लिए लेट कर दिया था. दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, उन्होंने वेंडा के लिए काफ़ी इंतजार किया, टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए, एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वह वहाँ नहीं आई थी. दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पैट्रॉन्स की टू हैव फन विद हर, वे अक्सर वेंडा का इंतजार किया करते थे उससे कुछ मजाक करने के लिए. वेंडा पैट्रॉन्स की नेम है. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, रूम 13 के अधिकतर बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे. दे हैव नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन, उनके नेम्स कहने में आसान थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन. देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैट्रॉन्स्की वॉज. वहाँ एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट, और लोग सोचते थे दैट वॉज फनी, वह नेम जो है वो फनी था, बट नॉट फनी इन द सेम वे, लेकिन इतना फनी नहीं जितना कि पैट्रॉन्स्की नेम था. वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वह अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही घर जाती थी. शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वह हमेशा ही एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, दैट डिडंट हैंग राइट, जो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ करती थी, हैंग राइट प्रॉपरली फिट नहीं होती थी. इट वॉज क्लीन, यह साफ थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली. ये क्लीन थी लेकिन इट लुक दिखाई देती थी जैसे कि इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, के उसे कभी भी प्रेस नहीं किया गया था. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन काफ़ी लड़कियां उससे बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार वे उसे स्कूल यार्ड में घेर लिया करती थी. एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्म हार्ड ग्राउंड, जब वह छोटी लड़कियों का गेम हॉपस्कॉच उस हार्ड ग्राउंड पर, उस खराब हार्ड ग्राउंड पर देखने के लिए खड़ी होती थी. हॉपस्कॉच ये गेम है इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एन ओवर स्क्वायर मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, जिसमें बच्चे जो हैं वो जंप करते हैं स्क्वायर के अंदर और उसके ऊपर से. वेंडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट कॉर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, वेंडा पैगी मोस्ट कॉर्टियस, कॉर्टियस पोलाइट, बहुत ही अधिक पोलाइट विनम्र मैनर में तरीके से उससे पूछा करती थी, एज दो जैसे कि वह मिस मैसन से बात कर रही हो, ऐसे विनम्र हो जाती थी. वेंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस वेंडा,
वह कहा करती थी एक अपने मित्रों में से किसी एक को एक जेंटल पुश करते हुए, नज टेल अस, हमें बताओ हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि कितनी ड्रेसेस डिड यू से आपने कहा था यू हैड आपके पास हैं हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, आपकी क्लोजेट में, क्लोजेट अलमीरा, अपने आपकी अलमीरा में। हंड्रेड वेंडा वुड से, हंड्रेड वेंडा कहा करती थी, हंड्रेड एक्सक्लेम ऑफ द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, इनक्रेडुलसली शोइंग इन अनविलिंगनेस टू बिलीव, विश्वास नहीं होता था उन्हें, एंड द लिटिल वंस, और जो लड़कियाँ थी वो एकदम चिल्लाती थी, और लिटिल वंस और छोटी लड़कियाँ जो थी वुड स्टॉप, रुक जाया करती थी प्लेइंग खेलते हुए हॉपस्कॉच एंड लिसन, और सुनती थी, या हंड्रेड ऑल लाइंड अप, हाँ हंड्रेड सभी लाइंड अप, सभी एक कतार में, एक पंक्ति में, शायद वेंडा वेंडा ने कहा। देन हर थिन लिप्स ज्यूट टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके जो होंठ थे वे एक साइलेंस में ठहर गए। व्हाट आर दे लाइक, वे किस प्रकार की हैं, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी, पैगी ने कहा मैं शर्त लगाती हूँ ऑल सिल्क, सभी सिल्क, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, सभी सिल्क की सभी कलर्स की, वेलवेट टू वेलवेट भी, या वेलवेट टू ए हंड्रेड ड्रेसेज, वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, वेंडा बड़े उदासीपूर्ण तरीके से फिर रिपीट करती थी, स्टॉलिडली जिसमें एक्साइटमेंट ना हो, निरुत्साह, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी लाइंड अप हैं मेरी अलमीरा में। देन दे वुड लेट हर गो, तब वे उसे जाने देते थे, एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार They could not help bursting into shrieks and peals of laughter. Or dub, before she had gone very far, इससे पहले कि वह दूर जाए, काफ़ी दूर जाए, they could not help bursting, वे अपने आप को रोक नहीं सकते थे, bursting into shrieks, काफ़ी तेज़ चिल्लाने में, and peals of laughter. Peals of laughter, peals होता है roar, दहाड़ना, काफ़ी तेज़ हंसी को रोक नहीं पाते थे. 100 dresses. Obviously, the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. स्पष्ट था कि द ओनली ड्रेस वेंडा हैड, जो वेंडा के पास एक ड्रेस थी, वॉज द ब्लू वन, वो नीली वाली शी वोर एवरी डे, जो हमेशा पहनती थी. सो वाई डिड शी से शी हैड अ हंड्रेड, इसलिए वाई डिड शी से, वह क्यों कहती थी शी हैड अ हंड्रेड, उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस थी. व्हाट अ स्टोरी, कहानी क्या थी. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कितने शूज आपने कहा आपके पास थे, 60 पेयर, 60 जोड़े, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी लाइंड अप हैं, सभी लाइंड अप हैं इन माई क्लोजेट, मेरी क्लोजेट में. क्राइज ऑफ एग्जीग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, सभी एक साथ क्राइज जो चिल्लाते थे, ऑफ एग्जीग्रेटेड पोलाइटनेस, एग्जीग्रेटेड एक्सट्रीम अधिकता पोलाइटनेस, विनम्रता की, काफ़ी विनम्रता के साथ वो चिल्लाते थे. इसके बाद और नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, नहीं सभी पेयर जो हैं वो डिफरेंट, अलग अलग ऑल कलर्स, सभी कलर्स के ऑल लाइंड अप. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, जिसने इस game को सोचा था, and Maddie, और Maddie, her inseparable friend, inseparable, जो अलग ना हो कभी, friend, were always the last, वो हमेशा last होते थे to leave, जो वहाँ से जाते थे. Finally, Vanda would move up the street. अंततः, Vanda would move up the street, street की ओर बढ़ जाती थी. Her eyes dull and her mouth closed, उसकी आँखें डल नीरस होती थी और माउथ क्लोज होता था. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर को हिलाते हुए, एवरी नाउ एंड देन, बार बार, इन द फनी वे में, शी हैड, जैसा उसका था, मींस उसका जैसा तरीका था, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अपने वॉक, अपनी स्कूल तक की जो वॉक थी उसे अकेले ही फिनिश करती थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बलीज, शी प्रोटेक्टेड, वह सुरक्षा करती थी बच्चों की फ्रॉम बलीज, बलीज द पीपल हु यूज देयर पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, ये लोग जो अपनी पावर का प्रयोग करते हैं कमजोर लोगों को डराने के लिए, बलीज. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों रोती थी अगर वह किसी एनिमल को मिसट्रीटेड होते हुए देखती थी, मीन्स उसके साथ अच्छा व्यवहार न होता हुआ देखकर.
खराब व्यवहार होता हुआ देखकर, इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूल वे टू ट्रीट वेंडा, अगर कभी उससे कोई व्यक्ति कहता था डोंट यू थिंक, आप नहीं सोचते दैट इज अ क्रूल वे, कि यह एक निर्दयापूर्ण मीन्स क्रूल वे है, तरीका है टू ट्रीट वेंडा वेंडा के साथ व्यवहार करने का, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड क्रूल, वह काफ़ी हैरान हुआ करती थी क्रूल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, ये लड़की क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे, एनीबडी कुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई, कोई भी यह बता सकता था कि दैट वॉज अ लाई, वह झूठ था. Why did she want to lie? वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी? And she was not just an ordinary person, else why did she have a name like that? और ये भी कि वह एक ordinary person नहीं थी, else why did she have a name like that? इसका इस प्रकार का नाम कैसे था? Means क्यों था? Anyway, they never made her cry. लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसे रुलाया नहीं था. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, जहाँ तक मैरी की बात है उसके लिए दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग, यह है कार्य जो वेंडा से पूछने का, हाउ मेनी ड्रेसेस, कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, हाउ मेनी दिस एंड दैट, कितना यह है कितना वह है, शी हैड, कितने चीज़ें उसके पास थी, ही वॉज बॉदरिंग हर, उसे बॉदर करता था, परेशान करता था. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी अपने आप मीन्स स्वयं भी गरीब थी. शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वह हमेशा अक्सर पहनती थी दूसरों के दिए हुए कपड़े, ओल्ड क्लॉथ्स, हैंड मी डाउन क्लॉथ्स. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम, शुक्र गुजार थी कि वह बॉगिंस हाइट्स पर नहीं रहती थी और न ही उसका कोई फनी नेम था. समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वे, पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड. कई बार जब पैगी वेंडा से ये क्वेश्चंस पूछती थी इन दैट मॉकिंग, उस झूठी पोलाइट विनम्र आवाज में, मॉकिंग फॉल्स, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड, वह काफ़ी एम्बेरस्ड, परेशान महसूस करती थी, एंड स्टडीड द मार्बल्स, और जो मार्बल्स उसकी हथेली में होते थे उन्हें देखने लगती थी, रोलिंग देम अराउंड, उन्हें घुमाने लगती थी, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और अपने आप कुछ नहीं कहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, शी नॉट दैट, ये नहीं था कि वह वेंडा के लिए एग्जैक्टली सॉरी फील करती थी. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैव नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, मीन्स वह वेंडा की ओर कभी ध्यान ही नहीं देती यदि पैगी ने इस ड्रेसेस गेम को इन्वेंट ना किया होता. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, यदि सोचिए कि पैगी और दूसरे, अब दूसरा मीन्स वेंडा को छोड़कर उस पर फन करते, मीन्स उसका मजाक उड़ाया करते. शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, वह इतनी शायद इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वेंडा, लेकिन पुअर थी. ऑफकोर्स शी वुड हैव अ मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, यद्यपि उसके पास अधिक सेंस होगी टू से, कहने में कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी, स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती थी, चाहेगी कि अब वे लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू करें. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा एट्रॉन्स की, उसकी इच्छा थी कि पैगी वेंडा को परेशान करना बंद कर देगी. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज यद्यपि हालांकि वे लेट हो गए थे स्कूल के लिए, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, मैडी खुश थी कि अब उन्हें वेंडा का मजाक नहीं करना पड़ेगा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वह अपना अर्थमेटिक की जो प्रॉब्लम्स थी वो एब्सेंट माइंडेडली कर रही थी. अर्थमेटिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अंक गणित, 8 times 8, लेट्स सी, आओ देखें. शी विश्ड शी हैव द नाव टू राइट पैगी या नॉट, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. शी विश्ड उसकी इच्छा थी, शी हैड द नर्व, कि उसमें पावर होती, नर्व पावर टू राइट पैगी या नॉट, कि वो पैगी को एक नोट लिख के मैसेज करे, बिकॉज क्योंकि शी न्यू, वह जानती थी वह कभी भी उसके पास साहस नहीं होगा टू स्पीक राइट आउट, सीधे पैगी से कहना, टू से ये कहने का, हे पैग,
कि पैग लेट स्टॉप के आओ हम बंद कर दें, आस्किंग वेंडा, वेंडा से पूछना हाउ मेनी ड्रेसेज शी हैज़, उसके पास कितनी ड्रेसेज हैं। व्हेन शी फिनिश्ड द अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नॉक टू पैगी, जब उसने फिनिश कर लिया अपना अर्थमेटिक का कार्य है, शी डिड स्टार्ट, उसने स्टार्ट किया और नॉट एक नॉट टू पैगी, पैगी को लिखना, सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, अचानक ही वह रुक गई, पॉज्ड स्टॉप्ड रुकी, एंड शडर्ड शडर्ड शिवर्ड कांप गई, शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को स्कूल यार्ड में रखा, मीन्स अपनी सोचा कि उसकी जगह मैं, आई न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, एक नया टारगेट फॉर पैगी एंड गर्ल्स, गर्ल्स और पैगी के लिए, पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, पैगी शायद ये पूछ सकती है, यानी पूछ सकती थी उससे कि शी गॉट वेयर शी गॉट द ड्रेस, ये ड्रेस उसके पास कहाँ से आई, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहनी हुई थी, एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, के और मैडी को यह कहना पड़ेगा कि यह है पैगी की पुरानी जो ड्रेसेस थी उनमें से एक थी, दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिसगाइज, जिसने मैडी की मदर ने जिसे कोशिश की थी डिसगाइज छिपाने की, विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कुछ छिपाने की कोशिश की थी, कुछ नई ट्रिमिंग्स, कुछ काट छाट करके, कुछ पट्टियाँ लगाकर, सो इसलिए नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, के इसलिए कि कहीं रूम 13 में से कोई उसे पहचान ना ले। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, यदि पैगी अपने आप ही अपनी ही इच्छा से अकॉर्ड अपनी मर्जी से रोक दे हैविंग फन विद वेंडा, वेंडा के साथ मजाक करना, ओ वेल बहुत अच्छा। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, मैडी ने अपने हाथ को अपने शॉर्ट छोटे ब्राउन हेयर में, ब्लॉन्ड ब्राउन ब्राउन हेयर में से निकाला, एज दो जैसे कि टू पुश द, कि वो धकेल देना चाहती थी जो अनकम्फर्टेबल, जो परेशान करने वाले थॉट्स थे, विचार थे, उन्हें बाहर निकाल देना चाहती थी। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ना था, स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नॉट शी हैड स्टार्टेड, स्लोली धीरे से उसने जो नॉट जो उसने लिखना शुरू किया था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, वह पैगी की सबसे अच्छी मित्र थी और पैगी जो है वह बेस्ट लाइक, जिसे काफ़ी पसंद किया जाता था, वो लड़की थी इन द होल रूम, पूरे रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, वह सोचती थी कि जो पैगी है वह कोई भी गलत कार्य है या कोई भी गलत चीज़ नहीं कर सकती थी। एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, वेंडा के रूप में वह ये सोचती थी कि वेंडा एक लड़की है जो बॉगिंग्स हाइट में रहती थी एंड स्टूड अलोन और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा था, मुश्किल से वह ऐसा कहती थी किसी से। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर अंडर ड्रेसेस, द ओनली टाइम केवल एक बार शी टॉक्ड, उसने बात की थी जो थी वो उस स्कूल यार्ड में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, मैडी को याद था बताते हुए उसने बताया था कि अपनी ड्रेसेस वन ऑफ हर ड्रेसेस अपनी ड्रेसेस में से एक के बारे में, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, जिस पर कलर्ड पट्टियाँ लगी हुई थी, एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड सैश, और वो भी याद था दूसरी के बारे में भी याद था, दूसरी ड्रेस दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो बिल्कुल अच्छा जंगल ग्रीन मीन्स हरा रंग था, विद रेड सैश, जिस पर एक रेड बेल्ट थी, सैश बेल्ट पट्टी मीन्स पेटी, जो यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, यू वुड लुक लाइक कि आप उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगती होंगी, द गर्ल्स हैड सैड, गर्ल्स ने कहा इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, प्रिटेंडेड नॉट रियल, जो रियल नहीं थी उस प्रशंसा के तौर पर, झूठी प्रशंसा के तौर पर कहा कि आप तो एक क्रिसमस ट्री की तरह लगती होंगी उसमें। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन क्लोज़ेट, मैडी बिगिन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, वेंडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो कि क्लोज़ेट में लाइंड अप थी, सोचते हुए मैडी ने सोचना शुरू किया हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट जो है उसे कौन जीतने जा रहा था। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिज़ाइनिंग वाटर बॉट्स, गर्ल्स के लिए इस
जो कंटेस्ट था उसमें डिज़ाइन करनी थी ड्रेसेस और बॉयज़ के लिए मोटरबोट्स डिज़ाइन करने का कंटेस्ट था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी गर्ल्स के मेडल को जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी रूम में किसी और की अपेक्षा अच्छा ड्रॉ करती थी, एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, कम से कम यही था जो सभी सोचते थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन द मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। शी कुड कॉपी अ पिक्चर, वह एक पिक्चर बना सकती थी इन ए मैगजीन मैगजीन से और सम फिल्म स्टार हेड किसी फिल्म स्टार के हेड का, सो दैट ताकि यू कुड ऑलमोस्ट टेल, आप बिल्कुल बता सकें हु इट वॉज या कौन था। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी श्योर थी कि पैगी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कल टीचर्स विनर्स का नाम अनाउंस करने जा रहे थे, देन दे वुड नो, तभी वे जान पाएंगे। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, थोड़ी लाइट रेन हो रही थी अगले दिन। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, काफ़ी तेज़ी से पैगी के अम्ब्रेला में के नीचे मैडी और पैगी स्कूल की ओर जा रहे थे। नेचुरली ऑन डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट। नेचुरली इस जैसे किसी दिन पर वे उन्होंने वांडा का ओलिवर स्ट्रीट को कॉर्नर पर इंतजार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वो स्ट्रीट जो काफ़ी दूर थी, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स के नीचे और अप द हिल, लेड टू बॉगिंस हाइट्स, जो बॉगिंस हाइट्स की ओर जाता था। एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांसेज ऑफ बींग लेट टूडे बिकॉज टूडे वॉज इम्पॉर्टेंट। एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांसेज, वो कोई चांस नहीं ले रहे थे ऑन बींग लेट लेट होने का आज, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टूडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि आप सोचते हैं कि मिस मैसन आज विनर्स का नेम अनाउंस करेंगी। ओ आई होप सो, हाँ मुझे आशा है। द मिनट वी गेट इन, कुछ ही मिनट में हमें पता लग जाएगा, सैड मैडी। मैडी ने कहा ऑफ कोर्स वी विल विन पैग, बिल्कुल आप जीत जाएंगी पैग, होप सो, आशा करती हूँ, सैड पैगी ईगरली। पैगी ने बड़ी उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। द मिनट जिस क्षण उन्होंने इस क्लासरूम में उन्होंने एंटर किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, वे रुके एंड गास्प हाँफने लगे। द देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, सभी जगह ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज, हर लेज पर, विंडो सिल पर डेजलिंग कलर्स थे, डेजलिंग कलर्स थे वहाँ पर सभी, डेजलिंग जो चकाचौंध वाले कलर्स थे, एंड ब्रिलियंट शानदार थे, लेविश वेरी ग्रांड, बहुत शानदार डिज़ाइन थे। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, लपेटने वाला जो रैपिंग पेपर है, रैपिंग पेपर की ग्रेट बड़ी बड़ी शीट्स पर ड्रॉ किए गए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, वे 100 होने चाहिए सभी लाइंड अप। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, ये कंटेस्ट के लिए ड्राइंग्स होनी चाहिए। दे वर, वे थी, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, सभी स्टॉप्ड रुक गए, विसल्ड किया सभी ने और मर्मर्ड बुड़बुड़ाए एडमायरिंगली प्रशंसा के रूप में। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास असेंबल्ड हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स का नेम अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज, शी सैड, उसने कहा जैक बैगल्स ने जो बॉयज का मेडल है वो जीता। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसका जो डिज़ाइन था आउटबोर्ड मोटर के लिए वो प्रदर्शित है रूम 12 में, अलॉन्ग विद द स्केचेज बाई ऑल द अदर, उसके साथ साथ जो दूसरे बॉयज़ हैं उनके जो स्केचेज हैं वे भी रूम 12 में हैं। एज फॉर द गर्ल्स, शी सैड, जहाँ तक गर्ल्स की बात है, उसने कहा ऑल्दो जस्ट वन और टू स्केचेज वर सबमिटेड बाई मोस्ट, यद्यपि एक या दो स्केचेज ही सबमिट किए गए थे अधिकतर स्टूडेंट्स के द्वारा। वन गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, दिस वन गर्ल एक्चुअली, उसने वास्तव में 100 डिज़ाइन को ड्रू किया, उसने ड्रा किया। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी डिफरेंट, अलग अलग और ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के विचार से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, उन ड्राइंग्स से कोई भी एक इज वर्दी ऑफ विनिंग, विनिंग मीन्स प्राइज को जीतने के योग्य है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट,
मैं काफ़ी खुश हूँ ये कहने में टू से दैट दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, के वेंडा पेट्रोंस्की इज द विनर, वो विनर है ऑफ द गर्ल्स मेडल, गर्ल्स मेडल में। Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. दुर्भाग्यपूर्ण रूप से Vanda कुछ दिनों से स्कूल से absent रह रही हैं and is not here, यहाँ नहीं है to receive the applause और इस admiration, इस प्रशंसा को receive नहीं कर सकती that is due to her, जो उसके लिए हैं। Let us hope she will be back tomorrow. आओ आशा करें कि वह कल वापस आ जाएगी। Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. Okay, class, you may file around the room. आप चुपचाप रूम में घूम कर लाइन अप लाइन में चलकर देख सकती हैं उनकी शानदार एक्सट्रीमली बड़ी अच्छी जो ड्राइंग्स हैं उनको। द चिल्ड्रन बस्ट इन टू अपलॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। चिल्ड्रन अपलॉज में काफ़ी तेज मीन्स अपलॉज एडमायरेशन के रूप में एकदम चिल्लाए एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड, और यहाँ तक कि बॉयज भी ग्लैड थे, खुश थे टू हैव अ चांस कि उन्हें चांस मिला टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर पर स्टैम्प बैंग करने का, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स और अपने फिंगर्स को माउथ में रखने का यानी हैरानी के रूप में, एंड विसल और सीटी बजाने का, दो यद्यपि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि वे ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने धीरे से कहा, लुक पैग देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, कि वहाँ वह है ब्लू वन नीली वाली जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इज नॉट इट ब्यूटिफुल, क्या यह ब्यूटिफुल नहीं है? Yes, said Peggy, and here is that green one, हाँ यहाँ वह green one, हरे वाली dress, boy, and I thought I could draw, और मैं सोचती थी कि मैं भी draw कर सकती थी। Students, we have studied our chapter, the 100 dresses. In the next video, we will study our next chapter. Till then, thank you, have a nice time.